38 दिनों से धरना चल रहा है, आगे भी जारी रहेगा। जब तक हमारी सरकार सुध नहीं लेगी जब तक हम यहीं डटे रहेंगे, सरकार से मान मनवार कर ही जाएंगे। इतने दिन हो गए हम यहाँ अपने भाई बहन इसके बीच में हम चलते, हमारे भाई राजकुमार जैसे भाई को हमने खोया है, तो इसकी शहादत को हम ऐसे, इसके बलिदान को ऐसे नहीं जाने देंगे। हम आप सरकार से निवेदन करते हैं, इसके परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता वे सर, इसके परिवार वालों को सरकारी नौकरी दी जाए जिससे इसका परिवार का भरण पोषण हो सके। और हमारे भाई जो इतने दिन बैठे हुए हैं इनके भी आप सुनो कि हम कोई पार्टी के तो, एक पार्टी के तो थे नहीं। अब जैसे ये लोग बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का दबाव लगा दिया, जब से आज मालवीय जी अपने बांसवाड़ा जिले के अंदर, उनको भी तो ये वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे, उसको भी तो बीजेपी में लेकर गए, तो हम उसने तो चुनाव लड़ा, हम तो फिर भी सीधे साधे लड़के, हमने कोई चुनाव थोड़ी लड़ाई किया, हम तो सरकार की योजना का प्रचार करते थे। जहाँ मंत्रियों की गाड़ी नहीं जाती थी वहाँ हम गए और हमने प्रचार प्रसार किया। आज इनकी स्थिति यह हो गई कि विकसित भारत के अंदर जो कैंप लग रहे थे उसमें आज चेहरे खाली दिख रही है, और पहले हम जाते थे तो प्रचार प्रसार के शाम को ही बता देते भी कल विकसित भारत का कैंप लगेगा उसमें जाओ, और संख्या आती थी। आज इनको ने इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसके विकसित कैंप के अंदर बिल्कुल नाम मात्र संख्या, जो सरकार के अधिकारी जाते थे वो है, उसके अलावा कोई भीड़ नहीं यार, बस लॉलीपॉप दे रहे हैं। 40 दिन से हम धरने पे बैठे हैं लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ सुना नहीं है। अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के नेता जो कार्य कांग्रेस के नेता होते उसको गला लगा लेते, जो मंत्री होते उसके पास बड़ा पद होता, या क्या सारे राजीव गांधी युवा मित्र गरीब परिवार से इसलिए वो बीजेपी सरकार गले नहीं लगा रही, अब तो हमें वही लगने लगा। लेकिन जब तक ये सरकार हमें कचरा समझ रही है ना, उस तक समझने दो, जिस दिन ये कचरा उड़ गया ना उस दिन उनको पता चलेगा कि ये कचरा क्या था। जो बदलाजी सरकार है उनसे कि हम युवा है, राजस्थान के है, बेरोजगार है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारी तो एक ही पार्टी है बेरोजगार की, तो सरकार हमें बेरोजगार से मुक्त करे, पार्टीवादियों में न घसीटे, हमें टेक न लगाए, ना तो हम कांग्रेस के ना बीजेपी के, हम सत्ता के साथ में हैं और सत्ता के साथ में रहकर काम करना चाहते। सरकार से ये कहना चाहते कि सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले अब, क्योंकि धैर्य भी एक दिन ऐसा आता है कि वो फूटता है, तो उसका खाम मकाम सरकार को इसकी जिम्मेदारी और देनी पड़ेगी। क्योंकि पहले भी हमारे एक युवा साथी ने अपनी जान गवा दी यहाँ धरने पर, उसकी जिम्मेदार भी वर्तमान की सरकार ही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5,000 युवाओं के पेट पर लात मारकर इनके मौत की जिम्मेदारी क्यों बन रहे हो आप? ये आपके प्रदेश के हैं, आप अगर इनको बहाल करते हो, रोज़गार देते हो, तो ये सदा आपके गुणगान करते रहेंगे। इतना ही कहूँगा मैं सरकार से कि आप इन्हें बहाल करें जल्द से जल्द, ताकि ये भी अपने घर जाए और अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ जीवन यापन करें। भजनलाल जी, सरकार से मेरी यही अनुमति है और उनसे यही मांगे कि हमें बहाल किया जाए। और हम लोग आज 39 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए धरने पे, पर अभी तक हमारी कोई ना तो सुनवाई हो रही है ना कुछ बातचीत हो रही है। तो हम लोगों से उनसे यही प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द बहाल करें, क्योंकि आज देखो जो भी चल रहा है 12 संकल्प यात्रा, उसके अंदर भी मतलब सीटें खाली जा रही हैं, लोग बाग आ नहीं रहे, उनको जानकारी नहीं मिल रही योजनाओं की। हम लोगों ने उनको घर घर जाकर योजनाओं की जानकारी देते थे और उनको बताते थे कि केंद्र सरकार से क्या क्या योजनाएं चल रही हैं और इन योजनाओं का लाभ भी दिलाते थे। तो अब जो कैंप लग रहे हैं उनमें ना तो सरकार की योजनाओं के बारे में लाभ मिल रहा है उनको, ना कुछ पता चल रहा है। और आगे जो आगामी जो भी चुनाव आएंगे उसमें उनको पूरा दंड भुगतना पड़ेगा अगर वो हमें बहाल नहीं करते हैं। तो हम उनसे यही आज्ञा कर रहे, वो अनुमति रहते हैं कि भाई वो हमें जल्द से जल्द बहाल करें, ताकि उनको जो लोकसभा की जो चुनाव है उनमें उनको ये दंड नहीं देखना पड़े।